तो बड़ी ही अफसोसनाक खबर अभी हमारे सामने आई है मुल्तान से। प्रोफेसर अहमद इजाज पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हालत में निश्चर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह हमला दिल्ली गेट के बाहर हुआ है। नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में गोली जो है वो उनकी टांग पर लगी है और अल्लाह के करम से उनकी जान को बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। निश्चर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज जो आप देख रहे हैं हमारे से निश्चर अस्पताल की अभी जो आई है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आप उनको स्ट्रेचर के ऊपर निश्चर अस्पताल एमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया जा रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। अगर मज़ीद कोई अपडेट आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।